रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागरिन, एयर कंडीशनर लग्जरी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 8770942168। कहते हैं जमाना अब हाई टेक हो रहा है, महज अगरबत्ती हिलाकर लोग ईश्वर की आराधना करके संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ऐसे में जब माँ के पवित्र नौ दिन, जो चैत्र माह की नौ दुर्गा चल रही है और आज रामनवमी को पूरे देश बड़े धूमधाम से मना रहा है, तब माँ के एक भक्त की आराधना देखकर आप दंग रह जाएंगे। उसकी आराधना एक सच्ची भक्ति प्रकट कर रही है। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले के रैली के चांदपुर से हैं, जहाँ एक भक्त अपने शरीर पर नौ दिन से जवारे उगाए हैं। इसका शरीर मिट्टी से ढका है और उसके ऊपर जवारे ऊँगे हैं। यह नौ दिन दैनिक क्रिया के साथ अन्न जल सभी छोड़े हैं। इसका नाम कमलेश कुर्मी बताया गया है, जो अपने गुरु भाई धर्मेंद्र विश्वकर्मा के घर आकर नौ दिन तक कठिन तपस्या और देवी की आराधना कर रहे हैं। उनके गुरु भाई धर्मेंद्र विश्वकर्मा कह रहे हैं कि देवी भक्त कमलेश ने इस साधना के 15 दिन पूर्व से ही अन्न जल त्याग दिया था और नवदुर्गा के पहले ही दिन से अपने शरीर पर ज्वारे उगाए थे। वो दिन में एक दो बार चम्मच से जल ग्रहण करते हैं। हमारे गुरु भाई और नवरात्रि के 30 दिन पहले से खाना पीना छोड़े हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत पानी और दूध पीते थे पहले, नवरात्रि से कुछ नहीं मिलते, सिर्फ 2-4 चम्मच जल पीते। आदि काल से यह मान्यता थी कि ऋषि मुनि जब साधना करते थे तो आँख से देखते नहीं थे, कान से सुनते नहीं थे, मुंह से बोलते नहीं थे, ईश्वर में ही उनका ध्यान होता था। इसी ध्यान की वजह से उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी ऊर्जा खर्च नहीं होती थी। शरीर की ऊर्जा जब खर्च होती है, जब मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं और आँख से देखते हैं। नवरात्रि के लगभग 15-20 दिन पहले से ये व्रत कर रहे हैं और परमा के दिन से एक ही जगह पे स्थित है और अन्न जल छोड़े हैं। महिला डुलता है, मैं कहूँ आज जाओ, सब एक ही जगह पे, मतलब जो भी है 2 चम्मच जल लेते हैं और खुद के ऊपर जवारी है। बस यही ऊर्जा, यही ताकत उन्हें परम पिता से साक्षात्कार करा देती थी। आज कमलेश की आराधना में हमें साक्षात साधु संत दिख रहे हैं। कुछ साल पहले अपने शरीर पर ज्वारे बोने की परंपरा थी, जो अब कम देखी सुनी जाती है, लेकिन कमलेश कुर्मी की आराधना सच्चे मायनों में सच्ची देवी भक्ति प्रकट कर रही है। आसुदुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, रहेगी।